झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशियों का घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला अभी सुर्खियों में है। हाल में ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि तमाम जो बांग्लादेशी जो संथाल परगना में हैं उन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए और जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपा जाए। फिलहाल अभी इस मामले की जाँच चल रही है। कोर्ट ने सभी DC को ये आदेश दिया है कि तमाम जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं वो किस तरीके से संथाल परगना में जो है वो पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें जो PIL फाइल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि तमाम जो बांग्लादेशी हैं वो संथाल परगना के क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां के आदिवासियों के साथ शादी करते हैं और ज़मीन जो है वो गिफ्ट डीड के नाम से हथिया लेते हैं। वहीं ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अगर बात करें BJP की, जो BJP का कहना है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो आसाम के रास्ते से आ रहे हैं, और बांग्लादेश की बात करें बंगाल की, झारखंड की, तो तमाम जगहों पर जो है बांग्लादेशी घुसपैठ जो हैं वो अब घुसपैठ कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, लेकिन सवाल ये होता है कि जिस तरीके से जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं वो झारखंड के तमाम संथाल परगना को कब्जा करने में हैं, हथियाने में हैं, और जो आदिवासी आदिवासियों का जो आबादी है वो जिस तरीके से घट रहा है, जिस तरीके से तमाम जो बांग्लादेशी हैं वो शादी कर ले रहे हैं आदिवासी महिलाओं से और उनका जो ज़मीन है वो हथिया ले रहे हैं, एक बड़ा समस्या है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कब तक रोक लगती है। हालांकि कोर्ट ने इसे संज्ञान पर ले लिया है। तमाम जो DC हैं, आपको बात करें जामताड़ा की, बात करें दुमका की, पाकुड़ की, साहेबगंज की, तमाम DC को ये निर्देश दिया गया है कि चिन्हित करके उन्हें डिपोर्ट किया जाए और एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंपी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो हैं उनका ये जो कब्ज़ा है वो कब तक ठीक होता है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। लगातार BJP जिस तरीके से कह रही है, बीते दिनों जो है हेमंता विश्व शर्मा ने ये कहा है कि आसाम के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें JMM की, अगर बात करें कांग्रेस की, तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से घुसपैठी जो हैं वो झारखंड के संथाल परगना में घुस रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच ये घुसपैठी जो हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं, वो जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, जिस तरीके से झारखंड के संथाल परगना के क्षेत्र में मस्जिद बन रहे हैं, मदरसे बन रहे हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये घुसपैठ कैसे कर रहे हैं, किसके वजह से कर रहे हैं और इनके साथ कौन है। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि इसका सुधार कब तक होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन संथाल परगना के तमाम जो लोग हैं वो हमेशा इस बात को और इस आवाज़ को उठाए हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो जिस तरीके से संथाल परगना को कब्ज़ा कर रहे हैं, ऐसे में उनकी आवाज़ सुनने वाला अभी फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, राजनीति ज़रूर हो रही है, ज़रूर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन इसका समस्या का हल अभी तक कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि कब संथाल परगना के क्षेत्र के लोगों को इस बड़ी समस्या से उनको ये हल जो है वो मिलेगा। नमस्कार।